ओके। हेलो एवरीवन, मैं गीता खुमान गुजरात अहमदाबाद से हूँ और आज आपके लिए लेके आई हूँ क्लासिक मैंगो समोसा। तो बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले समोसा बनाने के लिए जो स्टफिंग की जरूरत पड़ेगी वो स्टफिंग हम मैंगो से बनाएंगे। तो अभी फाइन चॉप कर लिया है मैंने वो मैंगो। एक बाउल में ले लेंगे। फिर बाद में लेंगे इंच ऑफ सॉल्ट, और हमारा मेन इंग्रेडिएंट अमूल से बनी रेसिपी हम बहुत ही अच्छी तरह से बनाएंगे। तो मेन इंग्रेडिएंट हमारा लेंगे कंडेंस मिल्क 1 टीस्पून, थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। फिर अमूल बटर मेल्टेड जो मैंने थोड़ा सा मेल्ट कर लिया है, हाफ टी स्पून। और सूंठ पाउडर 1/4 टीस्पून टेस्ट के लिए। अभी ये हमारा स्टफिंग रेडी हो गया है। मिल्क नहीं दिया है तो उसकी वजह से स्टफिंग में अच्छा सा बाइंडिंग आएगा, और जो मैंगो की कट करके हमने मैंगो रखी है वो इजीली हम स्टफिंग उसमें कर सकते हैं। तो अभी समोसा बनाने के लिए जो भी डो रेडी करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। समोसा बनाने के लिए जब भी आप क्रिस्पी करारे समोसे बनाना चाहते हो तो ये डो का मेजरमेंट आपको अच्छे से लिख लेना है, या फिर आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि सबसे पहले मैंने लिया 1 कप मैदा, फिर उसमें पिंच ऑफ सॉल्ट 1 टेबल स्पून सूजी। ज़्यादा करकरा हो तो मैंने उसको आपको थोड़ा सा मिक्सी में क्रश कर लेना है कि इतना ज़्यादा करकरा फॉर्म होगा तो भी अच्छे से हम बेल नहीं पाएंगे। तो फिर मैदा, उसमें जाएगा सूजी, उसमें जाएगा सॉल्ट, और 2 टेबल स्पून अमूल घी लिया है, और अच्छे से उसको मिक्स करके थोड़ा सा ब्रेड क्रम्स जैसा फॉर्म बना के फिर हाफ कप जितना पानी, अभी तो मुझे हाफ कप जितना पानी चाहिए, तो वो पानी जो है वो आपको एकदम चिल लेना है। और अच्छे से डो, थोड़ा हार्ड वाला डो बना के हाफ एन आवर तो चाहिए ही चाहिए, ज़्यादा है तो भी चलेगा। अगर 1 घंटे से ज़्यादा आप उसमें रखते हो डो बना के, ज़्यादा समोसे बनाने हैं और उसके हिसाब से आप डबल करके रखते हो, तो उसके ऊपर हमें मलमल का क्लॉथ थोड़ा भिगो के उसके ऊपर ढक देना है। और थोड़ी सी ½ टीस्पून जितनी अजवाइन भी डाली है मैंने, तो ये इम्प्रेशन आएगी। और तभी हमें समझना है कि हमारा समोसा बनाने वाला डो जो हमें चाहिए, जो क्रिस्पी डो चाहिए, वो रेडी है। तो ये इम्प्रेशन आनी चाहिए, ठीक है। अभी हम उसे अच्छे से गूंद लेंगे। और फिर समोसा रेडी करेंगे। ठीक है, और साइड बाय साइड हम ऑयल या घी जिसमें भी आप फ्राई करना चाहते हो वो गरम करने के लिए रख देंगे, क्योंकि ये समोसे आप जल्दी से बना के ही आपको फ्राई कर लेना है, या फिर अगर आप फ्राई करना नहीं चाहते तो आप थोड़ा सा बटर उस पर लगाकर बेक भी कर सकते हैं। और एक खास जरूरी टिप्स है जो मेरे हिसाब से है, मैं जो समोसे बनाती हूँ उसके हिसाब से मैं बोलती हूँ कि अगर जब भी आपने समोसा बनाया इसी तरीके से आपने डो रेडी करके रखा, तो फिर जब भी आप समोसा बेल रहे हो, जो रोटी बना के हम समोसा रेडी कर रहे हैं, उसमें हमें आटा नहीं लेना है, तब भी आपका समोसा बहुत ही क्रिस्पी और कुरकुरा जो हमें चाहिए वो मिलेगा। क्योंकि जब आप ऊपर से आटा लगा के जब फ्राई करते हो तो तेल भी खराब होता है और वो आटे वाली जो टेस्ट है वो भी उसमें बैठती है। तो जब भी आप समोसे के लिए डो बनाओ वो थोड़ा सा हार्ड होना चाहिए, क्योंकि हम आधे घंटे और 1 घंटे के लिए रखते हैं ऐसे ही, तो वैसे ही वो थोड़ा सा तो नरम हो ही जाएगा। फिर बाद में जब हम बेलेंगे, हमारे हाथ से ऐसे मसल के डो और पेड़ा तैयार करेंगे, तो हाथों की गर्मी की वजह से भी वो बहुत ही मुलायम सा आटा रेडी हो जाएगा। हेलो पुनीता, कैसे हो आप? पानी भी जोर से डालते। ओके, तो इतनी थिकनेस वाला हमें एक बड़ी सी पूरी या जितनी साइज का आप बनाना चाहते हो ऐसा बना लेना है। अजवाइन की बहुत ही अच्छी स्मेल भी आएगी और इंप्रेशन भी बहुत ही अच्छी पड़ रही है। देखिए, छोटी बड़ी साइज आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, लेकिन मीडियम साइज है तो समोसे में अच्छे से स्टफिंग आएगा। ठीक है, अभी बीच में से मैं कट कर लेती हूँ और ये आधा कट करने के बाद मैं इसे ऐसे फोल्ड करूंगी और उसके ऊपर थोड़ा सा पानी लगा के प्रेस कर लेना है कि वो सील हो जाए। अगर आप यही आटे को थोड़ा सा ज़्यादा नरम हो गया है और ऊपर से आटा लेके आप बेल रहे हो, तो फिर सिर्फ पानी से ये नहीं चिपकेगा। इसके लिए आपको मैदा और पानी दोनों को मिलाकर एक एक स्लरी बनानी पड़ेगी और फिर उसके बाद से ये सील होगा। तो सही अच्छा है कि आप पानी, सिर्फ पानी लेने की ज़रूरत पड़े उतनी ही कंसिस्टेंसी में आटा गूंद लें। थोड़ा सा मैं पानी लगा देती हूँ और इसे सील करके थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे ताकि हमारा समोसा अच्छे से फ्राई हो पाए। ऐसा ठीक है। फिर इसमें हम स्टफिंग अच्छे से ले लेंगे, उसमें थोड़ा सा मिक्स करके पूरी थोड़ी सी ऐसी इम्प्रेशन भी आ जाएगी और शेप भी परफेक्ट रहेगा, क्योंकि हमारा मैंगो है वो फ्राई होने जाएगा तो फिर बाद में वो भी अपना पानी छोड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि अच्छे से सील नहीं हुआ, ऐसा ही है कि अच्छे से सील नहीं हुआ तो समोसा बिगड़ सकता है। ठीक है, तो ऐसे बना के हम रेडी कर लेंगे। सेम वे दूसरा भी उसी तरह से फोल्ड करके स्टफिंग रख के अच्छे से सील कर देंगे। फिर इंप्रेशन दे देंगे। ठीक है, तो हमारे समोसे रेडी हो गए हैं। अभी फ्राई करना चाह रहे हो तो आप फ्राई कर सकते हो। अगर आपको शैलो फ्राई करना है तो थोड़ा सा बटर लगा के आप ओवन में बेक कर सकते हो और ऑयल में भी कर सकते हो आप। ऑयल या घी, अमूल घी दोनों मिक्स करके भी कर सकते हो। ओनली घी में भी आप फ्राई कर सकते हो, क्योंकि हमारे क्लासिक समोसे है, स्वीट समोसे है, तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। ऑयल गरम हो गया है हमारा। अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में मैंगो समोसा बना रहे हो या फिर सेवरी मैंगो सालसा डाल के भी आप समोसा बना रहे हो तो ज़्यादा क्वांटिटी में बनाने के लिए ऐसे ही मेथड से आप यही समोसे सब सील करके फ्रीज में रख दीजिए तो बहुत ही अच्छी तरह से समोसा बन के तैयार हो जाएगा और आपका टाइम भी बचेगा। जब भी हम समोसे फ्राई करने के लिए डालते हैं तो जो सील किया हुआ पार्ट है वो हमें ऊपर रखना है और जो फेयर पार्ट है वो नीचे जाएगा। और ऊपर से जो ऑयल है वो ऊपर हमें डालना है। और हमेशा समोसे या कुछ भी ऐसी स्टफिंग वाली चाट वाली रेसिपी हम बना रहे हैं तो खास ध्यान रखना है कि हमारा ऑयल जो है वो एकदम से नहीं, ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए। मीडियम आंच पे हम उसे फ्राई करेंगे। हाँ, रेसिपी फॉर स्टफिंग पुनीता जी पूछ रही है। तो जब भी हम आप तब नहीं थे शायद, तो अभी मैंने स्टफिंग के लिए मैंगो एकदम चॉप कर ली है। फिर बाद में उसमें कंडेंस मिल्क, सॉल्ट, सूंठ पाउडर और थोड़ा सा चाट मसाला आप डालना चाहते हो तो डाल दीजिए। और घी लिया है, अमूल बटर भी ले सकते हो आप। जो मेल्टेड बटर, हम अमूल बटर को मेल्ट करके उसमें डालेंगे। फिर अभी मैं अच्छे से समोसे तलने के बाद में आपको फिर से रिपीट कर लूँगी वो रेसिपी स्टफिंग के लिए, ठीक है। तो अभी ठीक है, तो अभी बहुत ही बढ़िया समोसे मैंगो समोसा हमारा फ्राई होके बाहर आ गया है। अभी मैं आपको फिर से रेसिपी बता देती हूँ। ओके, अभी मैं फिर से जो हमने आटा गूंदा कैसे उसको रखना है वो मैं फिर से आपको बता देती हूँ। कि सबसे पहले मैंने लिया 1 कप मैदा, उसमें एक टेबल स्पून सूजी। अगर आपका सूजी ज़्यादा दरदरा हो तो उसको आपको मिक्सी में थोड़ा सा क्रश कर लेना है ताकि अच्छे से आटा गूंदने में बेलने में हमें आसानी रहे। फिर पिंच ऑफ सॉल्ट, फिर 1/4 टीस्पून अजवाइन और 2 टेबलस्पून अमूल घी अच्छे से मिक्स करके जब भी मिक्स करेंगे तो ब्रेड क्रम्स वाला फॉर्म आ जाने तक हम उसे मिक्स करेंगे। फिर बाद में 1/2 कप जितना ही मैंने चिल्ड वाटर लिया था उससे मैंने आटा गूंद लिया है। फिर आधे घंटे के लिए उसको ढककर ऐसे ही रख देना है। इतनी प्रोसेस ये आटे गूंदने के बाद भी जाएगी, तभी हमारा समोसा एकदम कुरकुरा सा हो जाएगा। और पुनीता जी पूछ रही थी कि जो स्टफिंग मैंने किया तो ऐसे ही मैंने मैंगो फाइन चॉप कर ली, फिर उसमें सूंठ पाउडर, कंडेंस मिल्क, मेल्टेड अमूल बटर, थोड़ा सा सॉल्ट डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया है। और उसके बाद तो आपने प्रोसेस देखी कि जो आटा था उसमें से हमने समोसा का शेप देके ऐसे ही समोसा फ्राई कर लिया है। तो अभी हम प्लेटिंग करेंगे। अच्छे से समोसे दिखाई दे रहे हैं और मुंह में पानी भी आ रहा है ना सबको। एक समोसा हम कट करके रखेंगे। उसके ऊपर अभी थोड़ा सा अमूल घी ड्रिजल करेंगे। और सूंठ पाउडर और पीसी हुई शक्कर मैंने मिक्स करके रखी हुई है 1 टीस्पून, उसको हम स्प्रिंकल करेंगे। और फिर से उसके ऊपर अमूल घी। ठीक है, तो अभी क्लासिक मैंगो समोसा रेडी है आपके लिए। जो भी आप बनाए तो मुझे कमेंट करके बताना, एक मैसेज देना। अगली बार मैं जब भी आऊँ तो आप मुझे उसके अलावा और एक रेसिपी बताना कि मैं आपके लिए क्या लेके आ सकती हूँ। ठीक है, ओके। अगर और कुछ नई रेसिपी आप मेरे से सीखना चाहते हो तो मैं बहुत ही बढ़िया खाना बनाती हूँ और ये अच्छी अच्छी रेसिपीज लेके आ सकती हूँ आपके लिए, तो आप एक मैसेज करना। तब तक के लिए बाय बाय।